ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਕੇ ਤਮਾਮ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ ਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਗੀ ਹਮਾਰੀ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਆਪਕੋ ਅੱਛੀ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਮ ਚਲਾ ਲੇਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੇ ਆਪਕਾ ਜੋ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਤੋ ਯਹੀ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੇ ਆਨੇ ਕਾ ਆਪਕਾ ਸਵਾਬ ਕੈਸੇ ਬਣਾ। देखिए ऑस्ट्रेलिया हम लोग आए हुए हैं, ये यहाँ पर एक टैक्स का सिस्टम लागू है, जीएसटी। जी, हमारे देश में वैट लागू है, अलग अलग टैक्सेस लागू हैं, यहाँ पे इन्होंने जीएसटी करके टैक्स लागू किया हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं आप लोग सब जानते होंगे। जी जी, इंडिया में भी अभी इस पर विचार चल रहा है, लोकसभा में ये कानून पास हुआ है जीएसटी का, राज्यसभा में भी इस पर विचार चल रहा है। जी, और इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान है, जिन देशों में लागू हुआ है उसमें टैक्स कम हुए हैं, ज्यादा हुए हैं, महंगाई बढ़ी है कि घटी है, लोगों की आमदनियां बढ़ी हैं कि घटी हैं, ये सब चीजों की स्टडी करने हम लोग ऑस्ट्रेलिया आए हुए हैं। जी जी, यहाँ के कई सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स अलग अलग राज्यों के आए हैं, मैं उनके साथ में आया हूँ। जी, सो आपको लगता है, क्योंकि मैं एक बात आपसे पहले ऑफिशियल इंटरव्यू से पहले जब मसला ऑस्ट्रेलिया के बारे में आया हुआ, जीएसटी के बारे में आया, तो विदेश में जब नेता लोग जाते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं तो हमारे प्रकाश सिंह बादल, क्योंकि हमारा पंजाबी रेडियो हमारा टारगेट वहीं रहेगा, तो बादल साहब पाकिस्तान गए, वहां से वो दुम्बे लेके आए, आप समझते हैं वो बकरे की एक नस्ल होती है, तो मेरे को समझ नहीं आया उससे लोगों का क्या भला हुआ या क्यों लेके आए। तो सो अब आप ऑस्ट्रेलिया से क्या लेके जा रहे हैं, कहीं क्या आप भी तो कैंगरू तो नहीं ले जा रहे हैं यहाँ से? नहीं, कैंगरू ऑस्ट्रेलिया में ही अच्छे लगते हैं, अगर इंडिया में ले गए तो उसको चिड़ियाघर में रखना पड़ेगा, उसका कोई फायदा नहीं, कैंगरू अपने जंगल में अच्छे लगते हैं, जहाँ हैं वहीं है। मैं तो यहाँ से ये सोच के जा रहा हूँ कि अगर इंसान चाहे तो अपने शहर को, अपने आसपास को बहुत साफ सुथरा रख सकता है। जी, और बस खुद थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, थोड़ा सा कमिटमेंट की जरूरत है, थोड़ा सरकार को सख्त होने की जरूरत है, थोड़ा सा नागरिकों को, जो हम लोग हैं सब लोग, अपने आसपास देख के खुद को सफाई पसंद होने की जरूरत है। जी, बहुत सफाई पसंद लोगों का देश है, बहुत सफाई रखते हैं अपने अपने आसपास। जी जी, सो बहुत कुछ लेकर जाएंगे आप दिल्ली वासियों के लिए और उसके बाद देशवासियों के लिए। सो मनीष जी, थोड़ी सी हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका जो हम जितना देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए देखते हैं, आपका जो बैकग्राउंड है वो एज ए जर्नलिस्ट की है, आप एक जर्नलिस्ट थे, उससे बाद समाज सेवा में आए, समाज सेवा के बाद राजनीति में आए, आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आप तो दिल्ली में ही आपका जन्म हुआ और आगे कैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पहुंचे? नहीं बराबर साहब, मेरा जन्म तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में हुआ था, मेरे फादर के टीचर थे जी, और वहाँ फिर आके मैं दिल्ली में जर्नलिस्ट करना शुरू किया पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद, और एक चैनल है जी न्यूज में काम किया थोड़े दिन, रेडियो एफएम में जैसे आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पे, वैसे ही मैं वहाँ पे एक प्रोग्राम AIR FM ऑल इंडिया रेडियो एफएम है उसमें काम करता था, प्रोग्राम्स करता था, टीवी पे काम किया, फिर उसके बाद में धीरे धीरे वक्त ने कुछ करवट ली, मैं आंदोलन में आ गया, आंदोलन के साथ साथ फिर राजनीति में आ गए, वो तो सब जानते ही हैं। जी 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 बिल्कुल, सो आप समाज सेवा के जरिए राजनीति में आए, क्योंकि राजनीति का असल धर्म ही समाज सेवा होना चाहिए, पर जो अलग बात है अभी उसके मायने बदले हुए हैं आजकल। सो सबसे पहले आपको कैसे और कब महसूस हुआ भी आपको राजनीतिज्ञ बनना पड़ेगा, और आप किस ढंग से आप पार्टी और अरविंद से जुड़े? देखिए, इस दर्द को, मेरे इस दर्द को ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, हमारे मुल्क के लोग जो यहाँ रहते हैं, हम लोग सोचते हैं दुनिया में बेईमानी कम है, कई जगह इतने अच्छे नेता हैं, इतने अच्छे सादगी भरे नेता हैं, जब हम लोग अपने मुल्क में बात करते थे नेताओं से, सादगी से रहो, अगर ये वाला भ्रष्टाचार इस तरह से नहीं करना, मतलब भ्रष्टाचार मत करिए, इन कानूनों को ऐसे बनाएंगे तो भ्रष्टाचार रुक जाएगा, तो हमेशा या तो वो सुनते नहीं थे, 4-5 साल तक आंदोलन के बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अगर आपको ज्यादा शौक है राजनीति की बात करने का तो चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते, तो हमें लगा चलो वो भी कर लेते हैं, सड़क पे खड़े होकर नहीं सुन रहे, पत्रकारिता की नहीं सुन रहे, सड़क पे आंदोलनों की नहीं सुन रहे, तो चलो फिर खुद ही जाके अंदर संसद के अंदर विधानसभा के अंदर बैठते हैं, वहीं बैठ के कानून बनाएंगे। वहां से फिर 2011 से आंदोलन चला और उसके बाद की हिस्ट्री तो लोग जान लिया है।
जी जी बिल्कुल जी। तो आपका जो जीत है दिल्ली में सबसे बड़ी जीत के तौर पे जानी जा रही है अभी तक की। अभी हमारे पास ईमेल्स की वो कह सकते हैं ना, वो बरसात की तरह जड़ी लगती बरसात है, हो उस रही ढंग है। से बरसात हो रही है, सभी लोग नए नए सवाल लेकर आ रहे हैं। आप इतने आपका प्रोग्राम इतना पॉपुलर है कि खूब लोग सुनते हैं, मुझे हाँ बताया जी भगवान जी जी बहुत मेहरबानी। पर मैं क्या, आपके टाइम के हिसाब से मेरे को चाहिएगा, थोड़ा सा ब्रीफ में चलूंगा और मैं ने। हाँ पॉइंट पे बात करूंगा, क्योंकि हमारा रेडियो, जैसे मैंने शुरू से बोला, पंजाब से पंजाबी को बिलोंग करता है, जी पंजाब में ज्यादा जी इंटरेस्ट है। मैं सबसे पहले यही आपसे सवाल करना चाहूंगा, अभी आपके पंजाब में दिल्ली के बाद दूसरा राज्य है जिसने आप पार्टी को जो पहचान दी या उनके लिए कुछ किया पिछले इलेक्शंस में, पर उसके बाद के हालात वो ज्यादा अच्छे नहीं रहे पंजाब में, खास करके अगर आप पार्टी के मामले में बात करें तो उसमें बहुत सारी दरार आई, बहुत सारे लोगों को निकाला गया। ये तकरीबन सबके यही सवाल है कि पंजाब की राजनीति के बारे में आपका क्या फ्यूचर प्लान है, क्या हो रहा है देखिए, वहाँ। हाँ राज साहब, मेरा ये कहना है कि दिल्ली में जो कुछ हुआ वो हमने नहीं किया, दिल्ली के लोगों ने किया। बहुत बड़ा फैसला दिल्ली के लोगों ने किया चुनाव के वक्त। पंजाब में भी जो कुछ होगा वो पंजाब के रहने वाले जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, जो वोटर्स हैं पंजाब के रहने वाले, उनको करना है। पंजाब के लोग बहुत बड़े दिलवाले रहे हैं शुरू से, बहुत दुनिया में उन्होंने सबसे पहले दुनिया भर में देश का नाम करने वाले पंजाबी होते थे। अभी तो देश के कोने कोने से गए, लेकिन पहले सबसे पहले निकल के दुनिया भर में अपना सिक्का लोहा जमाने वाले जो लोग थे, मेहनत के दम पे, अपने परिश्रम के दम पे। तो पंजाब के लोग तो पहले से मतलब समझदार रहे हैं, विकल्प नहीं था। अभी दिल्ली के बाद पंजाब में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और जहां तक रही ये छोटी मोटी दरारों की बात, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, विचार महत्वपूर्ण है। पंजाब को इस वक्त ड्रग्स से मुक्ति चाहिए, पंजाब को इस वक्त भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, ये खानदानी राजनीति से मुक्ति चाहिए, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की राजनीति से मुक्ति चाहिए पंजाब को। तो ये कोई एक व्यक्ति, उसका नाम मनीष सिसोदिया हो या एक्स हो या वाई हो या अरविंद केजरीवाल हो, लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। लोगों के लिए महत्वपूर्ण ये है कि लोगों की जिंदगी कैसे बदलेगी। जो नौजवान ड्रग्स के चपेटे में आ रहा है, कैंसर ट्रेन चलानी पड़ रही है, वो जिंदगी कैसे बदलेगी, ये पंजाब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी हम देख रहे हैं पंजाब में बहुत सारी रैलियां हो रही हैं और हर रैली अपना रिकॉर्ड कायम कर रही है। किसी भी रैली की बात करें, चाहे वो सीएम के इलाके में रैली हो, पर हमारे जो पंजाब के लिसनर जुड़े हुए हैं उनका एक कॉमन क्वेश्चन, और उनके दिन में हर रोज हम फेसबुक पे देखते हैं, आम लोगों में विचरते हैं तो सुनते हैं भी, जो ये रश हो रहा है आपकी पार्टी आपकी रैलीज में, वो तकरीबन उसमें सबसे बड़ा रोल भगवंत मान का है, उनकी प्रेजेंटेशन का है, उनके उनके लेक्चर करने के लिहाज का है। पर जब ओवरऑल बात करते हैं तो ये बात सामने आती है भी, अगर सीएम पद के लिए किसी आदमी को नामजद किया जाता है तो उसके मामले में क्या भगवंत मान और या कोई दूसरा आदमी के बारे में आपने सोचा है, या क्या वो फिट बैठते हैं, एक लेक्चर देना और एक लोगों की भीड़ जमा करना और एक पार्टी को चलाना, एक मुख्यमंत्री की कुर्सी को चलाना, क्या उसके मामले में आप क्या सोचते हैं कि कोई किसी नाम पे आपकी आती है या अभी तक कुछ नहीं? मुझे लगता है कि इस टेलीविजन इस रेडियो इंटरव्यू जो है ना, हमें इसमें पंजाब का आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा उसकी मीटिंग में नहीं बदलना चाहिए। वो किसी मीटिंग में ही तय होगा, वो रेडियो इंटरव्यू में नहीं तय कर पाऊंगा मैं। और जहां तक मेरा रोल है या पार्टी के उन लोगों का जो पंजाब से बाहर के रोल है, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, मैं हूं या और लोग हों, संजय सिंह आशुतोष जो काम कर रहे हैं वहां पे, दुर्गेश भाई काम कर रहे हैं, हमारा रोल है पंजाब में लीडर्स खड़े करना, हमारा रोल है पंजाब में वॉलंटियर्स खड़े करना, ग्रास रूट से जाके मेहनत करना। जी, जब पंजाब में और थोड़ी सी टीम खड़ी हो जाएगी फिर वो टीम तय करेगी, टीम को तय करना है कि वो किसको लीडर के रूप में रखना चाहती है। अगर पंजाब से, अगर दिल्ली से हम इस तरह से लीडर सौंपेंगे तो फिर तो बाकी पार्टियां और हम में अंतर क्या रहेगा। बिल्कुल, वो कौन लीडर बनेगा, भगवंत मान भी बहुत अच्छे हैं, बाकी लोग भी बहुत अच्छे हैं, पर अगर मैं ये तय करने लगा कि भाई ये लीडर है तो फिर डेमोक्रेसी थोड़ी हुई, फिर तो बाकी पार्टियां भी ठीक थी, वहां भी कहीं बादल परिवार से तय हो जाता था, कहीं सोनिया गांधी के परिवार से तय हो जाता था। जी जी जी। तो फिर जो वहां कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, जो लीडर मेहनत करेंगे, उनका रोल क्या रहेगा? उनका रोल सिर्फ नारे लगाना है क्या? यही तो राजनीति बदलनी है हमें। उनका रोल सिर्फ वहां से चंदा इकट्ठे करना है क्या?
जी जी तो जी सो वो लीडर तय करने में भूमिका निभाएगा, उसका अभी समय आने दीजिए। अभी तो टीम हमारा काम है पंजाब में जाके टीम खड़ी करना, लोगों को इकट्ठे करना। पहले से लोग अच्छे, ऐसा थोड़ी हम किसी को जाके अच्छा बना देंगे, अच्छे लोग हैं पहले से ही, ईमानदार लोग बैठे हुए हैं राजनीति में भी बैठे हैं थोड़े बहुत, तो थोड़े बहुत जो है अभी तक बेईमानी की वजह से राजनीति में नहीं आ पा रहे थे डर की वजह से, उनका भी हिम्मत बढ़ेगी कि नहीं कि अब तो राजनीति ईमानदारी की राजनीति का वक्त आ गया चलो चलते हैं, तो वो इकट्ठे होंगे, हमारा काम है उनको इकट्ठे करना, वो इकट्ठे होके अपना नेता चुन लेंगे। जी 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 सो उम्मीद है जी मेरे जितने भी श्रोता लोग सुन रहे हैं उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बढ़िया ढंग से आपने एक्सप्लेन किया भी आप फिर आप में और उनमें क्या फर्क है, अगर जो पर्ची सिस्टम से या जेब से ही नेता निकलेंगे तो कोई फर्क नहीं है। सो बहुत मेहरबानी, खानदानों के हिसाब से नेता तय होने लगे तो फिर तो वही राजनीति अच्छी थी ना। जी 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 सो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया मनीष जी। सो आगे अगर बात करते हैं तो दो तीन जो सवाल और हमारे रोज हमारे जहन में रहते हैं, वो सबसे पहले तो दिल्ली में आपका राज है और दिल्ली एक पूर्ण राज्य ना होने की वजह से बहुत सारी उनमें प्रॉब्लम्स आए, जैसे सबसे बड़ी तो पुलिस की है। हम आम आदमी जो आम लोग जो विदेश में बैठे देखते हैं तो हमें ये लगता है भी जो दिल्ली की पुलिस है वो उसको और कामों के ज्यादा आप पार्टी को के आदमियों को पकड़ना उनके ऊपर केस दर्ज करना ये काम ज्यादा दिखाई दे रहा है। सो इसके लिए आपका क्या कोई प्लान है या आगे इसका कोई हो जाएगा, क्योंकि मैं हम नहीं चाहते जो भी वोटर जुड़ा है वो नहीं चाहता भी जो हमारे लीडर है उनका टाइम उनके पर्सनल झंझटों में ज्यादा जाए या पुलिस के साथ हर रोज जाए, उनका काम विकास में लगना चाहिए उनका टाइम। सो उसका क्या होगा, इसका कोई सोल्यूशन दिखाई देता है आपको? देखिए हम लोग तो दिल्ली में लगे हुए हैं, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और काफी चीजें बदली हैं और बदलेंगी। जो बुनियादी काम था, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में बात करता हूँ, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग हैं वो इस चीज को समझेंगे कि लोगों ने पहले ऑस्ट्रेलिया का विकास कर लिया। पहले ऑस्ट्रेलिया की नेताओं ने तय किया होगा किसी समय कि पहले अच्छे स्कूल खोलते हैं ताकि लोग अच्छे से पढ़ सकें, जब अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके बाद अच्छे से अच्छे नागरिक बनेंगे वो। अभी मैं आपको दूसरा, आपने दिल्ली की बात की, मैं कैनबरा में था। कैनबरा में आप लोग जानते हैं कि एक केंद्र सरकार है जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। जी। जो स्टेट गवर्नमेंट है उस वो भी दिल्ली की तरह से कैपिटल सिटी है, मतलब राजधानी है कैनबरा और वहाँ की सिर्फ उसी राजधानी वाले शहर की ही सरकार है, एक राज्य सरकार जिसको बोलते हैं जी, ACT बोलते हैं जिसको। ACT के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रीमियर, उनके पास सारी पावर है, जमीन का इस्तेमाल कैसे करना है, उनको पुलिस को कैसे यूज करना है, पुलिस को वो ऑर्डर देते हैं। यहाँ पे दिल्ली में इन्होंने रखा हुआ है कि पुलिस जो है होम मिनिस्टर के अंडर में आएगी। अब एक चीज बताओ कि के पंजाबी बाग में रहने वाले किसी आदमी को अगर पुलिस से कोई काम है, पुलिस वाला उसकी नहीं सुने, तो वो क्या होम मिनिस्टर के पास जाके करेगा? होम मिनिस्टर के पास नहीं जा सकता, वो MLA के पास नहीं जा सकता, वो चीफ मिनिस्टर के पास नहीं जा सकता, होम मिनिस्टर उसको मिलने वाले नहीं है, कहाँ जाएगा वो? जी। तो पुलिस अगर कुछ गलत कर रही है तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ हो? यहाँ पे मैं यहाँ के नेताओं से बात की, विपक्ष के नेताओं से बात की, सबने बताया था पुलिस तो हमारे अंडर में है। राज्य की जो पुलिस है वो फेडरल का अपना काम है, फेडरल के रोल भी पुलिस निभाती है फेडरल गवर्नमेंट का, क्योंकि कैपिटल स्टेट है, नेशनल कैपिटल है, लेकिन राज्य में पुलिस का काम राज्य सरकार के अंडर में आता है। ये बात दिल्ली के हुक्मरानों को जो हमारे सत्ता में बैठे हुए उनको समझ में नहीं आती, वो कहते हैं कैपिटल तो ऐसी होती है जी, आप देखो कैनबरा कैसा है, आप देखो दुनिया के और शहरों में कैसे है जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे जैसे दबाव मतलब समझ बनेगी लोगों की, दबाव भी बनेगा और अल्टीमेटली किसी ना एक दिन ऐसा आएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि दिल्ली में अगर व्यवस्था चलानी है तो ये जो 25 तरह की एजेंसियां बनाई हुई है उनको खत्म करना पड़ेगा। सो उम्मीद है जी आप कैनबरा का जो मॉडल है या ऑस्ट्रेलिया का मॉडल है उससे कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे और उसके उसके जरिए भी आप प्रेशर जो सरकार पर बनाने की कोशिश करेंगे। सो मनीष जी, ये तो एक दिल्ली पुलिस का मसला आ गया। दूसरा सबसे बड़ी जो अहम बात आती है जब भी आप पार्टी की बात आएगी, उसकी होंद बरकरार होने की बात आएगी या उसका एकदम 49 दिन के बाद सत्ता से जाने की बात आएगी, तो एक शब्द आएगा लोकपाल, जिसके ऊपर घूमता है, जो मैं इसको धुरा कहता हूँ, आप पार्टी का धुरा है जिसके चारों तरफ आप घूम रही है। तो अब लोकपाल कहाँ पे है, कब कब उसका उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? देखिए लोकपाल कानून में
क्या क्या बदलाव होंगे, कुछ जो दिल्ली का एक लोकपाल कानून था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लोकपाल कानून पीछे बना लिया, पास कर दिया था, तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो अब उस कानून के हिसाब से हमें उसमें थोड़े बदलाव करके जो अपना वाला लोकपाल था जिसके लिए लड़ाई हो रही थी उसके मॉडल में लाना था, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगा, वो हो गया है काम। और मॉडल में मतलब जो अभी देश में लोकपाल कानून लागू हुआ है जो संसद ने पारित किया है, दिल्ली में उसको लागू करने के लिए क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है ताकि वो एक बढ़िया लोकपाल कानून बन जाए, वो बदलाव हमने उसमें कर लिए हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर के लास्ट में या अभी जो आगे जो सेशन होगा विधानसभा का उसमें लोकपाल कानून लेके आएंगे। स्वराज और लोकपाल, स्वराज का मतलब लोगों से पूछ के काम करना और लोकपाल का मतलब कि कोई भी बेईमानी करे उसको तुरंत जेल में भेजने की व्यवस्था करना, ये दोनों काम हम लोग अभी तेजी से कर रहे हैं। जी जी, सो अमीदा जी वो जरूर जल्दी हमारे सामने होगा। सो एक हमारे फिर पंजाब और पंजाबियत और खास करके धर्म से जुड़ती हुई बात आ जाती है, तो दिल्ली अगर दुनिया भर में मशहूर है, दिल्ली हर काम के लिए मशहूर है, तो दिल्ली पे एक दाग भी बहुत बड़ा लगा हुआ है, वो है दिल्ली कत्लेआम का 1984 का। उसके दौरान दिल्ली में जो हशर हुआ उसको बार बार कहने की जरूरत नहीं, हर बच्चे बच्चे को पता है, पर 30 साल गुजरने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। आप पार्टी ने जब भी पावर में आई तब से उन्होंने बहुत कुछ अनाउंस किया, दो तीन बार पैसे की भी अनाउंसमेंट की, और इसके मामले में दो चार बार बयान भी आया मुख्यमंत्री का भी क्या किया जा रहा है। सो आप इसकी और थोड़ी सी डिटेल हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं अभी क्या हो रहा है उसके मामले में, क्या हमें इंसाफ मिलेगा? देखिए, इंसाफ के लिए सबसे बड़ी चीज है कि एक एक मैं तो काफी लंबे समय से इससे जुड़ा हुआ हूँ और 91 से FIR का इंतजार कर हो रहा है कई केसेस में। जहाँ FIR हो गई वहाँ पूरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो चुकी है, चार्जशीट फाइल होने का इंतजार हो रहा है। तो इसी सारे मैटर को देखने के लिए हमने पिछले बार जो हम 49 डेज की सरकार में थे कमेटी बना ली, ऐलान की, सिर्फ हमारी सरकार चली गई, वो कमेटी काम अपना शुरू कर नहीं पाई। इन द मीन टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई सेंटर में और इन्होंने आके एक और कमेटी की घोषणा कर दी हमारी वाली कमेटी के ऊपर, जी जो हमारी कमेटी हमने 84 की जांच के लिए बनाई थी जी। अब वो ऊपर वाली कमेटी बन गई, वो कुछ कर नहीं दी, नीचे वाली कमेटी के बारे में ये कहते हैं कि हमने बना दिया, तुम लोग क्यों बनाते हो, तुम अब गठित मत करो। और तो अब हमने राजनाथ सिंह जी से भी मुलाकात की थी, उनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि साहब या तो आप हमारी कमेटी को काम करने दो या अपनी कमेटी को बता दो, इसको बोलो काम करें, हम उसके सामने सारे फैक्ट्स रख देते हैं जो जो हमारे सामने हैं, जो जो हमारे से लोग जुड़े हुए हैं पंजाब के विक्टिम, उस 84 के विक्टिम्स हैं, उनके पास बहुत सारे सबूत हैं ऐसे जो जिनको सुना नहीं जा रहा, हम उनके सामने प्रस्तुत करवा देते हैं ईमानदारी से। तो वो कमेटी काम नहीं करने दे रहे, अपनी ना अपनी कमेटी को काम करने दे रहे ना हमारी कमेटी को फंक्शनल होने दे रहे, बट वील फाइट फॉर इट, करेंगे इसको, छोड़ेंगे नहीं इस तरह से। दूसरा है जो थोड़ा सा सहायता राशि देने का मुद्दा था, वो गृहमंत्री साहब ने अनाउंस किया था, उस वक्त केंद्र सरकार ने अनाउंस किया था और उन्होंने कहा था हम पैसा देंगे इनको जो फैमिलीज हैं, और उसके बाद उन्होंने दिया नहीं। अब हमने उनसे कहा कि साहब आपने अनाउंस किया था चुनाव के वक्त में और आपने एक आध चेक भी दिया था, बाकी किसी को दे नहीं रहे, तो वो बोले आप लोग दे दो हम आपको दे देंगे। हमने कहा साहब अनाउंस तो आपने किया था, आप तो केंद्र सरकार हो, आपके पास बड़ा पैसा है, तो बोले नहीं नहीं आप लोग दे दो हम आपको रिम्बर्स कर देंगे। तो अभी हमने हमारी सरकार ने बजट में प्रावधान करके उनके लिए, क्योंकि हम स्कूल खोल रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, बसें ला रहे हैं, तो उन सबसे थोड़ा सा पैसा किनारे करके अभी किया है हम लोग ये जो राशि है जो उनसे वादा किया गया था, हालांकि केंद्र सरकार ने किया था, हम लोग उन्हें देंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि केंद्र सरकार लोगों को वापस, दिल्ली के लोगों को पैसा वापस देगी, तो हम फिर बाकी जो काम अपना है वो कर पाएंगे उससे। जी जी, सो उम्मीद है जी, आस जो जागी थी हमें, नहीं कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, चिंता ना करो। जी जी जरूर। सो मनीष जी, मैं मेरे को पता है आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर क्या करूं, बहुत सारे क्वेश्चन है, पर मैं एक क्वेश्चन के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा, वो अध्यापन के मामले में। आप अध्यापन के राह में बचपन से जुड़े हैं क्योंकि आपके फादर साहब वो अध्यापन में थे, सो आपको ज्यादा पता है वहां पे अध्यापन में क्या चलता है, क्या सिस्टम था, एजुकेशन में क्या सिस्टम है,
अब जब ऑस्ट्रेलिया में, हम ऑस्ट्रेलिया में आए आज से 10 साल पहले, तो हमें, हमने देखा यहाँ का स्टडी सिस्टम। इवन हम मिस करते हैं इंडिया का स्टडी सिस्टम, हम कहते हैं भी इंडिया में भी स्टडी सिस्टम है, उसमें कंपटीशन है, बच्चा ज्यादा होशियार होता है, पर यहाँ पे बच्चे को इतना रिलैक्स कर दिया जाता है भी, कई बार वो आलस और ज्यादा नहीं, जहां तक सुना जाता है जब हम जाते हैं तो कोई भी बच्चा यहाँ पे मैथ में 2 से 2 को गुणा करना नहीं जानता, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला गया। मैं ये नहीं कहूंगा भी ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ ही अच्छा है, सब कुछ ही अच्छा रहा है, एजुकेशन सिस्टम में एक तरफ बहुत कुछ अच्छा है, अभी उनके बच्चों के ऊपर बोझ नहीं डाला जाता, उनकी खुद की पर्सनैलिटी निकाली जाती है बाहर और उसको स्किल्ड बनाने की कोशिश की जाती है। पर इंडिया में क्या है, बैग का बोझ है, बहुत कुछ है। सो अब आपके पास एक पावर है, दिल्ली में आपके एजुकेशन मिनिस्ट्री है आपके पास, तुम एजुकेशन के मामले में आप क्या कर रहे हैं, कोई नई चीज जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या चाहते हो, सो उसके बारे में हमारे जरूर श्रोताओं को बताइए। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप किसी शहर का, किसी राज्य का, देश का विकास करने चलें, तो उससे पहले आपको एजुकेशन ठीक करनी पड़ेगी। अगर एजुकेशन नहीं काम करेंगे और आप नए नए पुल बनाते जाएंगे तो वो पुल भी टूट जाएगा, उसमें बेईमानी भी हो जाएगी और देश भी नहीं खड़ा होगा। अगर आपने एजुकेशन ठीक कर ली पहले, तो एजुकेटेड सोसाइटी फिर पुल पर अपने आप बना लेगी, आप चिंता मत करो। तो ये हमारा सोच का मॉडल है और इसीलिए हमारी सरकार ने जब पहला बजट पेश किया तो हमने एजुकेशन का बजट डबल किया, कुछ जगहों का पैसा काटना पड़ा, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ का बजट हमने डबल किया अभी भी। और आपने जो मुद्दा उठाया कि दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जिनकी ओर हम देखते हैं कि वो तरक्की कर रहे हैं, बहुत उनको देखते हैं कि वहां का जीवन अच्छा है या उन्होंने अपना जीवन अच्छा, वो तो एजुकेशन की वजह से बनाया है। हम अपने बच्चों को रट्टू तोता बना देते हैं, उनको रटाए जाते हैं, बोलो रटो और एग्जाम पास करो, रटो और एग्जाम पास करो, समझ में आया कि नहीं आया ये नहीं पता। जैसे छोटी सी चीज है, ट्रैफिक रूल है, ट्रैफिक रूल आप अपने बच्चों को रटाते हो क्लास 4 में, क्लास 3 में, और पूरी जिंदगी वो ट्रैफिक रूल तोड़ता है। जी जी, तो ट्रैफिक रूल सिर्फ किताब में क्यों पढ़ाते हो, उसके अंदर जिंदगी में कैसे उतरे वो माहौल बनाओ ना, जबरदस्ती उसकी किताब का एक पन्ना और बढ़ा देते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमने किताबों में रखी हुई हैं जो जिंदगी में अपना ही नहीं जा पा रही है। जी, तो मैं समझता हूँ कि इसीलिए दिल्ली में हमने पहल की है कि हम 25% सिलेबस कम कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया की भी एजुकेशन सिस्टम को समझ रहे हैं, फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में बहुत अच्छा है, उसको भी समझ रहे हैं। बच्चा अपनी जिंदगी कैसे जिए, जिंदगी जीना कैसे सीखे, आप 1000 इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाल दो, ये एक पढ़ाने का तरीका है। दूसरा तरीका है कि उसके अंदर 10 इन्फॉर्मेशन डालो और उन 10 इन्फॉर्मेशन को वो अपनी जिंदगी में ठीक से यूज कर सके और जहाँ जरूरत पड़े बाकी इन्फॉर्मेशन ले सके, ये दूसरा तरीका है। तो हम इस दूसरे तरीके की तरफ ले जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को, कि किताबें कम करो, प्रैक्टिकल पढ़ाई ज्यादा करो, जिंदगी से जुड़ी हुई पढ़ाई ज्यादा करो, जिंदगी में काम आने वाली पढ़ाई ज्यादा करो, किताबों का बोझ कम करो, ये हम लेके चल रहे हैं उस तरफ। जी, उम्मीद है जी आपकी इस सोच को भी फल लगेगा और लोगों को इसका बेनिफिट भी होगा। सो मनीष जी, बहुत सारी ईमेल आ रही हैं, पर एक दो ईमेल संबंधित है, मैं वही लेनी चाहूंगा। हाँ, मुझे फिर बंद भी करना होगा ये। हाँ जी, हाँ जी, बस मैं सिर्फ 2 या 3 मिनट में। दिक्कत दिल्ली की है, दिल्ली में दिक्कत है, पर आ रही है हमारे पास जापान के जरिए। जापान से पुष्प डडवाल लिख रहे हैं कि दिल्ली में हमारे फैमिली रह रही है और वहां पे 2 घंटे पानी आ रहा है, पानी नहीं मिल रहा हमारे फैमिली को, ये क्या माजरा हो सकता है, क्या क्या उसके पीछे, पानी का टैंकर सिस्टम का माफिया की भी बात हुई, बहुत कुछ हमने सुना, पर अंदरली बात क्या है? देखो, किसी इलाके में अगर पानी नहीं आ रहा है तो वो वहां की कुछ वजह हो सकती है, वहां के पाइपलाइन या उसकी, लेकिन दिल्ली में इस वक्त पानी को लेके तो काफी बेहतर सुविधा हुई है, और जो हमने 20,000 लीटर पानी की स्कीम लागू की है फ्री देने की लोगों को और उसके ऊपर बिल करने की, लोगों में टेंडेंसी भी बढ़ी है। अभी अपने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ी रिपोर्ट आई थी, उन लोगों ने सर्वे किया था जी, कि पानी बचाने की लोगों में प्रवृत्ति बढ़ी है, पानी बच रहा है आजकल जी, तो बच रहा है तो बाकी लोगों के काम आ रहा है, पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब लोगों ने पानी घर में वेस्ट करना कम किया है। ये सारी चीजें हैं, पानी की स्थिति सुधर रही है दिल्ली में। जी जी, उम्मीद करते हैं जी एक एक करके, क्योंकि ओवरनाइट कुछ नहीं होता। पर मैं एक आपको जाते जाते बात बताना चाहता हूँ, हमारे दर्शक श्रोताओं को और आम लोगों को अब क्या हो चुका है, उनको लगता है कोई चमत्कार होगा, अगर आप पार्टी आ गई है तो वो ओवरनाइट सब कुछ कर देगी, यही हमारी सोच पंजाब के मामले में। देखिए, लोगों को ही चमत्कार करना है, दिल्ली के लोगों ने चमत्कार किया, अब हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं, चीजों को ठीक कर रहे हैं, बेईमानी बंद हो रही है, सोच समझ के काम हो रहा है,
वही चमत्कार पंजाब के लोगों को करना है, वही चमत्कार दे। और आप या अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण यह है कि ईमानदारी की राजनीति आए, ऐसी राजनीति आए जो परिवार से उठ के, खानदान से उठ के, ड्रग से उठ के, माफिया से उठ के, प्रॉपर्टी डीलर के धंधे से उठ के काम करे। ऐसी राजनीति लाना हमारी जिम्मेदारी है। ये चमत्कार अगर हमने कर दिया तो बाकी चमत्कार फिर अपने आप हो जाता है, फिर तो कुदरत भी अपना काम करती है। जी बिल्कुल जी, बाकी चमत्कार होंगे। सो पंजाब की आपको मैं एक पहले ही वार्निंग देता हूँ आपको, भी जब आपकी हम चाहते हैं 2017 में आपकी सरकार आएगी और जी आनी भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उस हम विदेशी लोग तो इसमें जुटे हुए हैं, चलो वो सरकार आ जाती है, पर मैं आपको ये वार्निंग देता हूँ भी हमारे लोग तीसरे दिन ही आपसे पूछेंगे, ड्रग्स अभी बंद नहीं हुए, सिर्फ पूछना चाहिए, पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। बल्कि अपनी अपनी चुनी हुई सरकार पे व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एक एक घंटे के अंदर क्या कर रही है सरकार, क्या पैसा जनता का पैसा खर्च कर रही है, जनता के पैसे से चल क्या रहा है, वो कब बंद होगा, कितना समय लगेगा किस चीज में, वो तो अलग बात है, पर नजर और क्वेश्चन एक एक मिनट पे भी हो सकता है। जी सो बहुत अच्छी बात जी, आप पार्टी ने सिखाया आम आदमी को क्वेश्चन करने, रोज हम देखते हैं। सो मनीष जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छी बातें की, हमें बड़ी खुशी हुई, हमारे श्रोताओं को भी बड़ी खुशी हुई होगी। पर जाते जाते आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं आपके सुनने वालों को कहूंगा कि आपको इतना अच्छा रेडियो स्टेशन मिला है, मिंटू भाई जैसे प्रेजेंटर मिले हैं, बहुत खुशनसीबी की बात है। जो जाते जाते कोई श्रोताओं को, विदेशी श्रोताओं से कोई अपील? आप लोग इतने दूर सात समंदर पार रह रहे हैं और अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपनी जबान से प्यार करते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी तारीफ की बात है। ये देश यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से जो आप सीख रहे हैं, जैसे आप करते हैं ना, यहाँ पे आके थोड़ा सा पैसा कमाते हैं तो अपने घर वालों को भी भेजते हैं, गाँव में भी भेजते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से जो ज्ञान कमाएं, जो सीखें, जो नॉलेज कमा रहे हैं, वो भी शेयर करें लोगों के साथ में, ताकि वहाँ भी नॉलेज का भी स्प्रेड हो। और ये भी देश आपका है तो वो भी देश आपका है, मिलके ठीक करेंगे इसको। जी बहुत मेहरबानी।